जहां इस समय देश में G20 समिट को लेकर भारत के देश की जनता काफी एक्साइटेड है, तो वहीं इन दिनों एक और मुद्दा भी काफी गर्माया हुआ है। वो है देश का एक ही नाम हो और वो नाम हो भारत। इस मुद्दे पर हर जगह बहस छिड़ी हुई है, विपक्षी पार्टी भी इसे मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हट रही। ऐसे में हर कोई अपनी राय रख रहा है, ऐसे में आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री भी अपनी राय देने से पीछे नहीं हट रही। इससे पहले अमिताभ बच्चन ने इस मुद्दे पर रिएक्शन दिया था, तो वहीं अब बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने इस मुद्दे पर रिएक्शन दिया है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट होने जा रहा है। इस समिट में कई सेलेब्स को डिनर के लिए इनवाइट किया गया है, उसमें से एक है जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ को राष्ट्रपति भवन में G20 शिखर सम्मेलन के डिनर का इन्विटेशन भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजे जाने पर उन्होंने रिएक्शन दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैकी श्रॉफ ने कहा, अगर भारत को भारत कहा जा रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई नहीं चलो इंडिया है तो चलो भारत है तो चलो भारत तो है ही। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जैकी बोलता है, कोई जॉकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है, मेरा नाम तो इतना तोड़ देता है, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे, नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदल जाएंगे। इसी के साथ तमिल के एक्टर विष्णु विशाल ने भी सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी। उन्होंने अपने एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, इस शूट लोकेशन में गहराई से सोच रहा हूँ, नाम बदला ले क्यों बदला, ये मेरा देश को प्रकृति और अर्थव्यवस्था में कैसे मदद करेगा, ये सबसे अजीब है जो मैंने हाल ही के दिनों में सोचा है। इंडिया हमेशा से ही भारत था, हम देश को हमेशा से इंडिया और भारत से ही जानते थे, अचानक इंडिया को अलग क्यों कर दिया गया। वेल, सामने आ रहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के रिएक्शन से आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड से जुड़ी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं प्रज्ञा शर्मा पंजाब केसरी डेली से। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।